इस बार फिर तलवार उछाली गई, मगर दोस्तों इस बार तलवार मुंह से नहीं पकड़ी गई, इस बार जब तलवार ऊपर से नीचे आई आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं आज आप सभी के सामने अपने सभी शिक्षकों के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं आप सभी से, और जो हमारे जितने भी हमारे शिक्षक हैं मैं उन सभी को जो है धन्यवाद करना चाहता हूं। अक्सर आजकल क्या, पहले से शुरुआत से ही जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो टीचर्स का थोड़ा सा मजाक उड़ाते हैं या टीचर्स के बारे में कुछ कहते हैं। शायद जब टीचर स्टूडेंट थे तब वो भी शायद ऐसा करते होंगे। ये तो अपने आप में एक प्रथा चली आ रही है कि जो है जितने भी टीचर्स हैं वो अपने स्टूडेंट्स का मजाक उड़ाएंगे। ऐसा भी होता है कि अक्सर जो है ऑफिस के अंदर बॉस का मजाक उड़ाया जाता है, कई जगहों पर होता है, इसमें कोई वो नहीं है, और ये प्रथा है तो चलती रहेगी आगे भी, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। टीचर्स के नाम भी रखे जाते हैं, मगर हमें टीचर्स की दिल से रिस्पेक्ट करनी चाहिए, दिल से हमें टीचर्स को अपना मानना चाहिए, अपना पूरा जो है उनके प्रति अपने अपना जो है आदर सम्मान हमें उन्हें उनके प्रति रखना चाहिए, जितने भी हमारे टीचर्स हैं। मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक दिन की बात है, एक दिन एक ग्वाला था, वो अक्सर गाय भैंस चराने के लिए नदी के किनारे जाया करता था। जब भी वो नदी किनारे जाता तो अपने पास कुछ चने लेकर चले जाया करता था। पहले वो नॉर्मल चने खाता था, फिर उसने क्या किया कि एक दिन उसने देखा एक बगुला जो है पानी के किनारे पर जो है नदी के किनारे पर जो है मछलियों को मुंह से पकड़ता था, ऊपर फेंकता था और अपने मुंह से पकड़ लेता था और खाना शुरू कर देता था। छोटी छोटी मछलियों को वो पकड़ता था। आदमी ने देखा मैं भी ऐसा कर सकता हूं, उसने चने को ऊपर फेंका और मुंह से पकड़ना शुरू किया। बहुत बढ़िया रहा। उसने इधर उधर से देखा कि भाई मछली तो लंबी होती है, चना एक गोल सा पीस है। उसने कुछ लकड़ी के टुकड़े लिए, उछालना शुरू किया और अपने मुंह से उसे पकड़ना शुरू कर दिया। अब वो लकड़ी भी पकड़ने लगा। धीरे धीरे वो इतना माहिर हो गया कि अब वो तलवार उछालता था और अपने मुंह से पकड़ लेता था। इतना फेमस हो गया कि राजा तक बात पहुंच गई। राजा तक बात पहुंची, जगह जगह करतब दिखाने जाता था, बहुत पैसा कमाता था। जब राजा तक बात पहुंची, राजा ने भी बुलाया। एक बार राजा को उसने करतब करके दिखाया, उसने तलवार उछाली और मुंह से पकड़ ली, उसने दोबारा उछाली फिर मुंह से पकड़ ली। वहीं पास में राजा के गुरु बैठे हुए थे, उन्होंने बोला मेरा एक प्रश्न है, मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके गुरु कौन है। उसने मन ही मन सोचा कि अगर मैं बोलूंगा कि बगुला मेरा गुरु है तो शायद ये सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। थोड़ी देर और सोचा उसने कि किसको गुरु बोलूं। तब उसके दिमाग में आया कि मैं किसको गुरु बोल सकता हूं, मेरा तो कोई गुरु ही नहीं है, बगुला है, मगर अगर बोला तो मजाक बन जाएगा। उसने मना कर दिया कि मेरा कोई गुरु नहीं है। जैसे उसने अपने गुरु के लिए मना किया, जो राजा का गुरु था उसने बोला कि आप एक बार और तलवार उछालिए। इस बार फिर तलवार उछाली गई, मगर दोस्तों इस बार तलवार मुंह से नहीं पकड़ी गई, इस बार जब तलवार ऊपर से नीचे आई तो उस आदमी के दो हिस्से हो गए। मैं आपसे सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि अपने जो भी हमारे सबसे पहले गुरु तो हमारी माँ होती है, उसके बाद हमारे पिता। हम अपने माता पिता और जितने भी हमारे गुरु हैं उन सबकी रिस्पेक्ट करें, दिल से रिस्पेक्ट करें, उन्हें अपना पूरा आत्मसम्मान, जितना भी उनका उनकी हम रिस्पेक्ट करेंगे, उनका आदर सम्मान करेंगे, उतना ही ज्यादा उनकी वजह से हमारा कद ऊंचा होगा। तो अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, बस मैं यही कहूंगा आपसे। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। नमस्ते।